वहीं कांग्रेस का शुरुआत से ही ये दावा था कि सर्वे के आधार पर प्रत्याशी के चयन किया जाएगा और जिनका नाम सर्वे में है वही मैदान में होंगे। लेकिन बदनावर में आनन फानन में प्रत्याशी बदलने के बाद अब इसी सर्वे पर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी ने सर्वे पर सवाल उठा दिए हैं तो कांग्रेस का ये कहना है कि पहले सर्वे से श्रेष्ठ का चुनाव किया था और अब रीसर्वे में सर्वश्रेष्ठ को मैदान में उतारा है। देखिए, कांग्रेस ने बदनावर में बदला उम्मीदवार, टिंकू बना से इनकार, कमल पर एतवार। कांग्रेस का दावा है सर्वे है टिकट का आधार, बीजेपी ने सर्वे पर ही उठाए सवाल। बदनावर में कांग्रेस ने प्रत्याशी बदलकर कमल पटेल पर भरोसा जताया है। अंदर खाने चर्चा है कि दिग्विजय सिंह ने अपने समर्थक अभिषेक टिंकू बना को टिकट दिलाया था जबकि सर्वे में कमल पटेल का ही नाम था। इसके अलावा कमल पटेल को टिकट दिए जाने में राजपूत समाज भी बड़ा फैक्टर है। पर्दा वाले और गुजराती राजपूत समाज के क्षेत्र में करीब 30,000 वोटर हैं। कमल पटेल गुजराती राजपूत समाज से आते हैं तो वही राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव पर्दा वाले राजपूत हैं। कमल पटेल का कहना है कि फीडबैक के आधार पर उन्हें टिकट मिला है। वहीं अभिषेक बना अब भी पार्टी के लिए पूरी मेहनत करने की बात कह रहे हैं। टिंकू बना को दिया था, उसमें हमारी कोई नाराजगी नहीं थी, पर सिर्फ जनता का एक आक्रोश था और जनता ने जो मुझे और कमलला जी, हमारे बाला बच्चन जी को और इनको लोगों ने फ़ोन किए कि साहब ये प्रत्याशी थोड़ा कमज़ोर है, पहचान कम है, इसलिए इनको बदला जाए। इस कारण से फिर पुनः विचार हुआ, अभिषेक टल्ला को भी बुलाया, जेपी सिंह जी को बुलाया और पूरी कमलनाथ जी ने मीटिंग लेकर फिर मेरा कमलनाथ जी द्वारा प्रदेश द्वारा चयन किया गया। देखिए, कांग्रेस द्वारा मुझे प्रत्याशी बनाया गया था, इसके लिए कमलनाथ जी का धन्यवाद करता हूँ। और निश्चित तौर पर क्षेत्र में मैं पिछले 7-8 दिन से प्रचार कर रहा था, जनता का अपार समर्थन भी मुझे मिल रहा था। अब जो भी कारण रहा होगा, ये पार्टी का निर्णय रहा है, जो भी उन्होंने सोच समझ कर लिया होगा, पर मैं पार्टी के हर निर्णय में पार्टी के साथ हूँ। मैं जितनी ताकत से चुनाव खुद के लिए लड़ता, उतनी ही ताकत उतनी ही शिद्दत से मैं पार्टी के लिए प्रचार करूँगा। और हमारा एक ही उद्देश्य है कि हम कमलनाथ जी को पुनः मुख्यमंत्री के तौर पर प्रदेश में देखना चाहते हैं। कांग्रेस शांतिपूर्वक तरीके से टिकट बदलने में कामयाब रही। पार्टी का कहना है कि सर्वे में श्रेष्ठ प्रत्याशी का चुनाव किया गया था और रीसर्वे में सर्वश्रेष्ठ को चुना गया है। वहीं बीजेपी को अब सर्वे पर सवाल उठाने का मौका मिल गया है। बीजेपी का कहना है कि सर्वे के नाम पर कांग्रेस झूठ बोल रही है, कांग्रेस कहती कुछ है और करती कुछ है। मैंने कहा ना, लगातार कमलनाथ जी ने ये 28 टिकट जो बांटे हैं और एक बच गई बटेगी, ये केवल सर्वे के आधार पे है। तीन तीन सर्वे, न किसी नेता का उसमें कोई मामला चला है, न किसी का चला है, सर्वे में जो टॉप पे आया है। तो ये सर्वे लगातार चलते रहे हैं, एक का भी सर्वे बच गया, इसमें रीसर्वे हुआ होगा और रीसर्वे में कमल पटेल जो है उनको प्रत्याशी वहाँ से बनाया गया है और निश्चित तौर पर वो भी जीतेंगे। पोल कांग्रेस की इसीलिए खुल जाती है और इसीलिए कह रहे हैं डॉक्टर गोविंद सिंह जी कि कांग्रेस में लोकतंत्र नहीं बचा, मनमाने ढंग से अध्यक्ष निर्णय लेते हैं और तानाशाही की प्रवृत्ति बढ़ गई। डॉक्टर गोविंद सिंह जी कह रहे हैं, अखबारों में भी छपा है और यही प्रवृत्ति उजागर हो रही, अगर सर्वे में था तो हटाया क्यों और सर्वे में नहीं था तो फिर दिया क्यों। कुल मिलाकर कांग्रेस के पैर कांग्रेस की गर्दन में फंसे हुए हैं, ये झूठ अपने लोगों को बोलते हैं तो दूसरों की भी साथ क्या। बीजेपी ने 28 सीटों पर उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने ब्यावरा सीट को फिलहाल होल्ड पर रखा है। वहीं बदनावर में प्रत्याशी को बदल दिया गया, सियासत भी जारी है, लेकिन कांग्रेस को भरोसा है कि प्रत्याशी बदलने का उनका दांव कामयाब होगा। भोपाल से बासु चौरे के साथ महेश